आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल साबुदाने और आलू के बहुत ही टेस्टिंग पराठा बनाकर तैयार करेंगे। इन पराठे के बनाने के लिए ना आपको साबुदाने भिगोने की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में तीखी चटपटी आलू की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, धनिया की चटनी और रायता, आलू के हम हलवा भी बनाऊंगी। तो एक नहीं पाँच पाँच बरत की रेसिपी देने वाली हूँ। तो आज की रेसिपी पसंद आती तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी के हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैन चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर और गैस के ऑन कर लिए हैं। यहाँ पर हम एक कटोरी साबुदाने ले लिए हैं, छोटा चाहे बड़ा कोई सा भी साबुदाने आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब साबुदाने पैन के अंदर हम डाल लिए हैं, फ्लेम के हम लो कर दिए हैं। अब 5 मिनट अच्छे से साबुदाने के हम भून लेंगे। तो हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें साबुदाने के क्रंच होने भर हमें भून लेना है। तो इस तरीके से भूनेंगे तो कलर भी चेंज नहीं होगा, अच्छे से साबुदाना भून जाएगी। साबुदाने के हमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसी स्टेज पर हम गैस की ऑफ कर देंगे। अब इन्हें हम 5 मिनट ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो पूरी तरीके से ठंडा हो गया है साबुदाने। यहाँ पर हम मिक्सी जार ले लिए हैं, अब इसी में हम डाल देंगे साबुदाने। डाल कर इसे हम पाउडर हम बना लेंगे, एकदम फाइन पाउडर हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पीस के हम तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल, एक छन्नी लेंगे और इसमें हम डाल के हम छान लेंगे ताकि साबुदाने के टुकड़ा निकल जाएगी और फाइन पाउडर इधर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अच्छे से हम साबुदाने के पाउडर के हम छान लेंगे। साबुदाने के थोड़ा टुकड़ा निकला है तो इन्हें हम साइड में रखेंगे और परात में सारे आटे के हम डाल देंगे। तो मीडियम साइज के हम 2 आलू ले लिए हैं, बॉईल किया हुआ हम आलू लिए हैं। तो इन्हें हम कद्दूकस कर लेते हैं, ग्रेटर से हम कद्दूकस हम कर लेंगे। आलू हम ग्रेट कर लिए हैं, अब आटे में हम डाल देंगे। तो पराठे में आप बनाएंगे आलू डाल के बहुत सॉफ्ट बनते हैं, आप बनाने में कोई परेशानी नहीं होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग लगता है। यहाँ पर हम लेंगे 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, ग्रेट किया हुआ 1 छोटी चम्मच हम अदरक ले लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पराठे में। इसमें डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ 2 हरी मिर्च, तो तीखा अपना कम बेस कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच सेल्धा नमक, तो भारत में खाए जाते हैं। 1/4 कप मूंगफली के पाउडर हम डाल देंगे इसमें। मूंगफली पाउडर डालने से पराठे में बहुत अच्छा स्वाद आता है। बारीक चॉप किया हुआ हम हरा धनिया पत्ता बहुत सारा डाल देंगे। तो सारे चीज़ें डालने के बाद बहुत अच्छा पराठा में टेस्ट आता है। तो इन सबको अब अच्छे से हम हाथों से अब मिक्स कर लेंगे। तो इस मसाले के अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इस तरीके से आलू से इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। बिना पानी के अच्छे से आटा के हम इधर हम मिक्स कर लिए हैं, इसमें मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी के छिट्टा मारते हैं, अब एकदम सॉफ्ट आटा हम लगाकर तैयार कर लेंगे। तो आपको हार्ड नहीं लगाना है, सॉफ्ट आटा लगाना है। सॉफ्ट आटा लगाने से आपके पराठे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरीके से हमें सॉफ्ट आटा लगा लेना है, आप देख सकती है। अब इन्हें हम 20 से 25 मिनट के लिए हम रेस्ट में छोड़ देंगे। तब तक चलिए आलू के तीखी मसाले वाली सब्जी हम तैयार कर लेते हैं। चटपटी सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हम 4 बॉईल किया हुआ हम आलू लिए हैं। अब इन्हें हाथों से हम तोड़ लेंगे इस तरीके से। कैसे आलू के हम टुकड़ा कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर। अब इसी में डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच देसी घी। तो आप तेल ऑयल जो पसंद करते हैं व्रत में खाना, वो आप यहाँ पर डाल सकती हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है, 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे जीरा। अब इन्हें चटकने देंगे। अब इसी में हम डाल देंगे 2 भागों में हम हरी मिर्च के कट कर लिए हैं, 3-4 हम हरी मिर्च ले लिए हैं, तीखा अपना कम बेस कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हम अदरक ग्रेट किया हुआ ले लिए हैं। अब इन सबको अच्छे से हम 15 सेकंड तक लिए भून लेंगे। अच्छे से 15 सेकंड हम भून लीजिए। अब इसी में डाल देंगे बॉईल किया हुआ आलू। अब इन्हें भी हम 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब कुछ मसाले डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच सेल्धा नमक, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ हम जीरा पाउडर डाल देंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। ग्रेवी थोड़ा हम ज़्यादा रखेंगे, बहुत ज़्यादा चटपटे इसकी सब्जी बनते हैं आलू के, टेस्टिंग खाने बहुत ज़्यादा लगता है। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर हम 5 मिनट कवर करके हम पका लेंगे अच्छे से। आलू की सब्जी यहाँ तैयार हो गया है। अब इसी में हम डाल देंगे बहुत सारा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से बहुत अच्छा इसमें से टेस्ट आता है। अब इसी में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नींबू के रस, ताकि सब्जी में चटपटा इसमें स्वाद आ जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके गैस के ऑफ कर देंगे।
अभी इन्हें हम कवर कर देंगे। तब तक चलिए अब इधर हम हलवा बना लेते हैं आलू के। तो इधर मीडियम साइज के दो हम आलू ले लिए हैं, अभी इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर से, बारीक वाली ग्रेटर से हम अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गैस पर पैन चढ़ा दिए हैं, इसी में हम डाल देंगे आधा छोटी चम्मच हम देसी घी। हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टिंग लगता है, तो इस नवरात्रि में आप इस तरीके से हलवा आप आलू के बना सकते हैं। बहुत आसान है आलू के हलवा बनाना। अब दो मिनट लगा है, अच्छे से हम ड्राई फ्रूट के हम भून लिए हैं। अब इसी में डाल देंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी। अभी यहाँ पर हम ग्रेट करके आलू रखे हैं ना, अब इसी में हम डाल देंगे। और डाल के फ्लेम के हम मीडियम कर देंगे। मीडियम करके 3 से 4 मिनट लगता है बनाने में हलवा। अब बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है हलवा। ये व्रत में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग खाने में लगता है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो 3 से 4 मिनट में आपका हलवा तैयार हो जाएगी। तरीके से आप भूनेंगे ना तो अच्छे से इसमें से घी रिलीज हो जाएगा, आलू के टेस्ट भी इसमें से ख़त्म हो जाएगा, कच्चापन भी निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अच्छे से भून लिए हैं और इसमें से घी भी रिलीज हो गया है। अब हम डाल देंगे 50 ग्राम हम चीनी ले लिए हैं। तो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरीके से अब 2 मिनट हम और भून लेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, हलवा भी तैयार हो जाएगी। तो लीजिए हलवा इधर तैयार हो गया है। इसी में डाल देंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से ज़रूर आप हलवा बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग खाने में व्रत में लगता है हलवा। ऐसे भी आप बनाकर इन्हें खा सकती हैं। अब इसी स्टेज पर गैस के हम ऑफ कर देंगे, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम हलवा के हम सर्व कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे। अब चलिए फटाफट हम धनिया के चटपटी सी हम चटनी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। धनिया के चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हम धनिया पत्ता ले लिए हैं, मिक्सी ग्राइंडर में हम डाल देंगे। 2 हम हरी मिर्च ले लिए हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं, तो तीखा अपना कम बेस कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक, आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच हम दही ले लिए। दही से बहुत चटपटी सी इसमें फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे और ढक्कन लगा के इसे हम पीस लिए हैं। तो चटनी इधर तैयार हो गया है, एकदम चटपटी चटनी तैयार हो गया है। अब इस बाल में हम डाल देंगे ठीक के हम रायता बना लेते हैं। तो यहाँ से 150 ग्राम दही लिए हैं, आधा छोटा चम्मच हम सेला नमक डाल दिए हैं। अभी इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम बाउल में डाल देंगे। अब थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे। तो लीजिए व्रत के रायता तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट हम आटा, आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है, छोटा छोटा अब हम बॉल लेंगे। हथेली से हम चिकना कर लेंगे। तो आटा आप सॉफ्ट लगाएंगे तो आपका बॉल एकदम चिकना हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम पत्थर लगाएंगे और पराठे की हम बेल लेंगे इस तरीके से। तो हल्के हाथों से आपको बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी नहीं फटा है पराठे, एकदम परफेक्टली पराठे बेल गया है। तो इस तरीके से आप आटा सही से लगा लेंगे तो आपका भी पराठा बनाने में कोई परेशानी ना होएगी, अच्छे से पराठा आपके बन जाएंगे। तो हम बेल लिए, इधर हम पैन गर्म होने के लिए डाल दिए हैं। अब इसी में थोड़ा सा हम घी डाल देंगे और घी डाल के हम पराठा के हम इसी में हम डाल देंगे। अब इसी पर हम पराठे हम डाल दिए हैं। अब एक साइड से पराठे सेक गया है तो हम दूसरे साइड हम सेक लेंगे पलट कर। अब इसी में हम घी लगा देंगे। तो आप जो आप तेल रिफाइंड जो आप खाते हैं वो आप लगा कर सेक लीजिए। अब इसमें अलट पलट के हम लगा कर सेक लेंगे। तो इस आटे से आप चाहे तो पूरी भी बना सकते हैं, पूरी भी बहुत अच्छा खिला खिला बनता है। तो इस तरीके से हम अच्छे से अलट पलट के हम पराठे की हम सेक लेंगे। तो एकदम खिला खिला सॉफ्ट साबूदाने के पराठे बनते हैं। तो इस तरीके से आटा आप सॉफ्ट लगाएंगे, परफेक्ट लगेंगे तो आपका भी पराठे बहुत बढ़िया बनेंगे। तो एक पराठे सेक गया है, बाकी के पराठे इसी तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पराठा पूरा हम सेक लिए हैं। अब चलिए हम थाली के सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ आलू की चटपटी सब्जी हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम हलवा हम आलू के सर्व कर लिए हैं। धनिया की चटनी एकदम चटपटी सी बनी है, इसे सर्व कर लेंगे। और दही सर्व कर लिए, पराठा के साथ हम सर्व कर लिए हैं। पराठा एकदम सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हैं। तो कम घी में पराठा बहुत स्वादिष्ट बनता है, हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टिंग खाने में लगता है। तो इस तरीके के थाली आप नवरात्रि व्रत में आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए इस रेसिपी के हम एंड करते हैं। तो आज के थाली पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय।